नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉस ऑफ डेंजर। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अरावली एरिया की है, राजस्थान की। वहाँ जियोलॉजिस्ट थे हमारे फादर के डिपार्टमेंट के, उनको जाना था और वहाँ एक बहुत पुराना बड़ा घना जंगल था, उसमें बहुत भालू थे। उस जंगल में टाइगर्स तो नहीं थे, लेपर्ड्स बहुत थे, वाइल्ड बोर थे और कई गांव जंगल के रियर बसे हुए थे। और जो जियोलॉजिस्ट और जो प्रोस्पेक्टिंग डिपार्टमेंट के लोग थे, वो दो लोग जाने थे और साथ में एक हर नौकर जाना था। और उनको वहाँ फॉरेस्ट का जो डाक बंगला था वहाँ रुकना था, जो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ बहुत पुराना था। बहरहाल इनको दो दिन के बाद जाना था और उस बंगले के इंचार्ज जो था ना, वो यमुना सिंह था, जो एक पहलवान और बड़ा मजबूत कटकाठी का इंसान था। और सबसे बड़ी बात थी कि ना उसको इन जानवरों से, भालुओं से डर लगता था और ना लेपर्ड से डर लगता था, क्योंकि उनको वो समझता था, बचपन से उन जंगलों में वो घूमता आया था, अगल बगल के गाँव का रहने वाला था। और सबसे बड़ी बात है कि वो जंगल के रक्षक के रूप में वो काम करता था, तो यहाँ का तो वो केयरटेकर था ही था। और वहीं पर खानसामा भी था, जो ऑफिसर्स आते थे कभी टूर पे, चाहे आए, चाहे डिपार्टमेंट के आए, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आए, तो खाना बनाने वाला था। तो इन लोग, जमुना सिंह ने उससे कहा, जो खानसामा था, कि भाई साहब लोग आने वाले हैं दो दिन के बाद, लकड़ी उकड़ी आप इकट्ठा करके सब रख लीजिए, ताकि खाने में चौका सब साफ, डाक बंगलों साफ करके रखा गया था। दो लोगों को रुकना था डाक बंगले के अंदर, और जो ड्राइवर था वो पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर होते थे, इन लोग के साथ में जमुना सिंह भी वहीं रहता था, बीच में अपने गाँव चले जाता था। अब जमुना सिंह की स्पेशलिटी क्या थी, कि वो जंगल का इतना बड़ा मुरीद था और रखवाला था, कि ना तो वहाँ पोचिंग होने देता था, ना वहाँ से लकड़ी काटने देता था, जो जाता था उनको भगा देता था। और उसकी रेपुटेशन थी कि उससे कोई लड़ नहीं सकता है, बलवान था। और कुछ जो उस गांव के उचक्के टाइप के लोग थे, जिनका जीवन ही व्यतीत होता था पोचिंग करके या लकड़ी काट के, और फिर उसको लकड़ी को भी स्मगल करते थे और जानवरों के खाल को भी स्मगल करते थे। और वो तीन लोग थे और तीनों की जो कैरेक्टर था वो थोड़ा क्रिमिनल टाइप का था, किसी को मारने में ढालने में वो माहिर थे, तो वो बदनाम भी थे। पर जमुना सिंह से बहुत डरते थे, क्योंकि जमुना सिंह रात को लैंटर लेके या टॉर्च लेके निकल जाता था देखभाल करने के लिए। बहुत घना जंगल था, ठीक ठाक बंगलों से थोड़ा आगे थे, जो है बहुत घना जंगल था। तो यही हुआ कि जमुना सिंह ने खानसामे को बोला कि आप जाइए लकड़ी लकड़ी इकट्ठा करके आइए, साहब लोग आने वाले हैं, पूरी खाने की तैयारी, सामान वामान सब ला के रखिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको इत्तला कर दी थी, जब कभी भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट वहाँ जाता है, जैसे वहाँ ड्रिलिंग होनी थी या, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जियोलॉजिस्ट जाते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ क्या क्या है, खनिज मिनरल्स क्या क्या वहाँ उस एरिया में है। फिर जो प्रोस्पेक्टिंग वाले डिपार्टमेंट वाले थे, तो वो उसका प्रोस्पेक्ट देखते हैं कि आगे जाके हम यहाँ से अगर कोई भी खनिज मिल रहा है, मान के चलिए एग्जांपल माइका मिल रहा है या और कुछ मिल रहा है, तो हम कितने समय तक पा सकते हैं, ये किस तरह की जगह है, तो वही देखने वो लोग आते हैं। हर जगह ऐसे ही होता, मेरे फादर जितने भी कैंपों में रहे ऐसे ही रहा था, कि पहले जियोलॉजिस्ट जाते थे, सर्वे करते थे और फिर वो बताते थे कि भाई यहाँ पर जो है आयरन ओर है, यहाँ पर लोहा बहुत मिलेगा, यहाँ पर माइका बहुत मिलेगा, यहाँ पर कोल बहुत मिलेगा, यहाँ पर डायमंड का है तो डायमंड मिलेगा। और फिर ड्रिलिंग के कैंप लगते थे और ड्रिलिंग चालू होते थे, तो वो लोग जियोलॉजिस्ट सर्वे करने गए हुए थे। बहरहाल जब ये बंदा चला गया जंगल के अंदर, मैंने बोला ना वहाँ भालुओं का बहुत भयानक प्रकोप था, कई लोगों पर अटैक कर चुके थे, एक हाथ को मार चुके थे। और इसी में ये भालू जो थे, ये जो जंगल में लकड़ी लेने के लिए वहाँ पर जमुना सिंह ने जिसको भेजा था,
उस पे उस दिन 3 भालुओं ने एक साथ अटैक कर दिया। भालू का जो नेचर होता है ना, वो बड़ा एग्रेसिव होता है, पता नहीं वो टेम्परामेंटल है। अगर वो आपकी तरफ नहीं देखते हैं, और सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, दे हैव अ वेरी वेरी वीक आई साइट, इनकी जो आंखें हैं ये बहुत वीक होती है। तो कई बार होता गया कि आप बिल्कुल जब नज़दीक आते हैं, आप तो लकड़ी बटोरने के लिए चले गए, अगल बगल कहाँ लकड़ी है, सूखी लकड़ी, और आपने देखा ही नहीं कि झाड़ी के पीछे जो है भालू आ रहे हैं आपकी तरफ। और मेरे ख्याल ऐसा ही हुआ होगा, और जैसे ही देखा होगा इस इंसान को, वो बस फिर तो अटैक कर दिया। एक ने अटैक किया तो दोनों ने और अटैक किया, और बहुत बुरी तरह, बिल्कुल मुंह तो बिल्कुल चीथड़ा कर दिया उसका, आंखें सब लटक गई, और फिर नाखून उनके, आप इसमें तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बड़े इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, बहुत शार्प, वो पूरा उसका जो है पेट चीर दिया, क्योंकि वो उल्टा वो लेट गया था। खाने का कोई इंटेंशन नहीं था, मारने का इंटेंशन था, और मार के, और फिर वो जो उनका एक तरीका होता है सर नीचे करते, सूंघते 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 वो तो निकल गए। यहाँ जब बहुत देर तक ये खानसामा लौट के नहीं आया, तो जमुना सिंह को चिंता होने लगी। वो जंगल में गया और देखा, अच्छा भालुओं को दूसरा भी बता दूं कि जब इसको खानसामा को जब मार दिया ना, इसके बाद जब वो जा रहे थे, गाँव के 3-4 लोग जंगल के अंदर आ रहे थे किसी काम से, उन पे भी अटैक हुआ, बट इत्तेफाक से 3-4 थे, वो लोग जो है छुप गए और हल्ला करने लगे, तो भालू वहाँ से भाग गए, क्योंकि ऑलरेडी वो अभी एक को ख़त्म करके आए थे, तो अगर वो हल्ला ना करते तो उन पे भी अटैक हो गया था। तो जब जमुना सिंह पहुँचे और वो गांव वाले दौड़ते हुए जब आए जमुना सिंह के पास, उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो खानसामा की लाश पड़ी हुई है, बहुत बुरी तरह नुची हुई है। जमुना सिंह पहुँचे, लाश आश उठवाई, लाया, पुलिस को खबर करी। अब पुलिस को क्या खबर करेंगे, वो तो जानवर की मारी हुई चीज़ है। और फिर पुलिस आई, जो भी उनकी तहकीकात होती है वो हुई, और उसकी लाश को उनके फैमिली को दे दी गई आखिरी क्रियाकर्म के लिए। भाई इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, वो बिल्कुल चीड़ फाड़ देते हैं। बहरहाल अब ये क्या करें, क्योंकि जमुना सिंह खुद भी खाना बनाना जानते थे, बट फिर एक गांव के आदमी जो था जो खाना बनाना जानता था, उसको पकड़ के ले आया कि भाई साहब लोग आने वाले हैं, फिर अगले दिन आने वाले थे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग अगले दिन आए, और काफ़ी गर्मा गर्मी थी उस आदमी के मरने के बाद, तो साहबों दोनों साहब लोग को पता लगा कि भाई यहीं का जो खानसामा था वो जंगल गया था लकड़ी बटोरने के लिए, और भालुओं ने बहुत ही बुरी तरह से उसको रौंद दिया, मार दिया। तो ये लोग भी घबरा रहे थे, क्योंकि ये तो अपने साथ कोई गन लिए नहीं थे। तब फिर इन्होंने पुलिस वालों से डिमांड किया कि भाई एक गनर हमें जो आप प्रोवाइड करिए पुलिस का यहाँ पर, तभी हम जाएंगे, क्योंकि हमें भी जंगल में जाना है सर्वे के लिए और देखना है। तब फिर पुलिस वालों ने, एक पुलिस वाला इनके साथ जो राइफलधारी था वो लगाया, फिर ये लोग गए सर्वे किया, जो भी देखा होगा जमुना सिंह के बारे में उनको सब बता दिया गया था कि भाई ये रखवाले भी हैं, केयर टेकर भी हैं, सब कुछ करते हैं। और वो आए, उन्होंने तय किया कि वो कब आएंगे, और फिर वो लौट गए, एक दिन रहे और एक या दो दिन रहे। उसके बाद वो तो दोनों ऑफिसर्स लौट गए, और ड्राइवर अपना आया हुआ था जीप में, उनके साथ चला आया, और बहुत घना जंगल था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जमुना सिंह और इन ऑफिसर्स के आने के बाद जो 3 कैरेक्टर थे गाँव के, जो नोटोरियस बदमाश, जो वहाँ से जानवर मारते थे, लकड़ी काटते थे, अब मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा जंगल है। जमुना सिंह तो इधर इंस्पेक्शन बंगलों के अगल बगल रहते थे, तो वहाँ कोई आता नहीं था, बट जंगलों में जो जिसको कुछ करना होगा वो ऐसी जगह चले जाते हैं, घनी जगह जहाँ इंसानों का आना जाना कम है, वहीं अपनी हरकत करते हैं कि भाई हिरण मार दिया, भालू मार दिया, लेपर्ड मार दिया, और फिर लकड़ी काट के निकाल गया वहीं से, वहीं के वहीं। तो इसको खबर तो होती थी, इन तीनों की खबर हमेशा लेता रहता था कि इनके वेयर अबाउट्स हैं ना, इनके घूम कहाँ रहे हैं, क्योंकि इसको शक हमेशा होता था कि ये कुछ ना कुछ अपनी हरकतें करते रहेंगे। बहरहाल एक दिन इनको बहुत कस के जो है इसने पकड़ लिया जंगल में जाते, और खूब कस के इनको हड़काया, और बोला कि अगर दोबारा तुमको हमने इस तरफ जंगल के अंदर देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब वो भी थोड़ा से नोटोरियस टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा कि यार ये जिंदा रहेगा तो हमारा काम नहीं होने देगा। और एक दिन ये शाम के टाइम पे गंगा सिंह
जब साहब लोग दोनों चले गए अपना, फिर उनको था लौटना था 15-20 दिन के बाद या जो भी तय था उनका ऑफिस का, ये गश्त पे निकले। अक्सर किसी न किसी को ये ले जाता था, पर उस दिन कोई नहीं ले गया। गांव वाले ने तो एक हाथ जाते थे, उसके बाद वो गश्त पे निकला था तो उस समय तक अंधेरा हो गया था और वो थोड़ा सा अंदर तक चला गया। वो लैंटर्न लेते लेते ऐसे लैंटर्न लिए हुए जलती रहती थी। वो गश्त पे जाता था क्योंकि उसको मालूम था कि अंधेरे पे इन लोग की हरकत ज़्यादा होगी। और ये जो शिकार करते थे कभी भी गन को यूज़ नहीं करते थे, ये जो तीनों थे, क्योंकि जानते हैं कि उसकी आवाज़ गूंजेंगी तो या तो कुल्हाड़ी से मार देंगे या तलवार टाइप की बना रखी थी उससे मारते थे, और फिर उसको वहीं स्किन कर देते थे, मांस को जो है गड्ढा करके गाड़ देते थे। और इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ आती है, उसको झाड़ियों से ढक देते थे, पता भी नहीं लगता था या कोई जानवर आ गया कूद के खाने वाला, हाइना है बहुत थे वहाँ पर तो खा लिया। बहुत दिन हो जाते थे कि यमुना सिंह एक एरिया में जा नहीं पाते थे, तो ये उन्हीं एरिया में अपनी हरकतें करते थे। और उस दिन इन्होंने तय कर लिया था कि हम लोग कहीं एक घात लगा के बैठेंगे और यमुना सिंह अगर उस साइड आए तो इनको आज हम ख़त्म कर देंगे, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो जंगल की ये मुश्किल हमारी हल हो जाएगी, फिर हम आराम से यहाँ पर जो है स्मगलिंग करेंगे लकड़ियों की भी और जानवरों की खाल की भी। यमुना सिंह गश्त में उस दिन निकले हुए थे, अकेले थे। इन लोगों ने तीनों ने उसके ऊपर अटैक किया, मजबूत जटखाटी का आदमी था, बट इस तीन लोग ने अंधेरे में आगे पीछे से घेर लिया, तो आगे वाले को तो यमुना सिंह ने नीचे दबोच दिया मिट्टी में, बट पीछे से बहुत कस के एक लकड़ी का वार हुआ इसके सर के ऊपर और ये गिर गया वहीं। गिरने के बाद तो फिर उन्होंने कुल्हाड़ी से मारते गए जब तक ये लहूलुहान होके इसकी सांस नहीं उखड़ गई। फिर इसको एक बोरा ले गए थे, बोरे के अंदर बंद करके घसीटा और घसीटने के बाद काफ़ी दूर ले गए। जंगल में एक बहुत पुराना कुआं था जिसमें अंदर भी बेल बहुत आ गई थी, वो ऑलमोस्ट अनयूज रहता था और लोग डरते भी थे वहाँ जाने से, क्योंकि भालुओं से लेपर्ड वो सब घना एरिया था। वहाँ जाके यमुना सिंह की बॉडी कुएं के अंदर फेंक दी और ये लोग भाग के आ गए। इधर जब यमुना सिंह डाक बंगलों में नहीं दिखा तो लोग ने हल्ला करना चालू किया कि भाई बहुत देर हो गई है यमुना सिंह आए नहीं है, बट उस दिन तो रात थी तो कौन जाता। अगले दिन सुबह पुलिस को खबर हुई, गाँव वालों को खबर हुई, उसको सभी मानते थे, उसकी सर्च चालू हुई। एक दिन हो गया कहीं नहीं मिला, दो दिन हो गया कहीं नहीं मिला, किसी को ख्वाब में भी नहीं था। दूसरे दिन करीब दोपहर के बाद शाम को जब सर्च पार्टी में से एक बंदा जा रहा था तो उसको प्यास लगी और उसको याद आया कि एक बहुत पुराना कुआं है, वहाँ बाल्टी लटकी रहती है, तो मैं चलूँ वहाँ से पहले पानी पी लूँ फिर जाऊँगा। तो जैसे ही उसने बाल्टी रस्सी से नीचे करना चालू की तो वो बाल्टी जाके एक जगह फंस गई, पानी में नीचे नहीं गई, वो बाल्टी उसमें फंस गई। जब फंस गई तब इसने गौर से थोड़ा सा नीचे देखा तो देखा कि एक लाश पड़ी है, और इतना लहम सहम जो लाश थी वो यमुना सिंह की हो सकती है और उसी की सर्चिंग थी। ये डर के बाल्टी साल्टी सब फेंका इसने और वहाँ से भाग के आ गया। वो समझ गया कि यमुना सिंह को मार दिया, अब मारने वाले और कोई नहीं हो सकते, वही तीन गांव के लोग थे जो उसके पीछे बहुत पहले से पड़े थे। फिर आए पुलिस को खबर हुई, इनकी लाश निकाली गई और फिर जो भी पंचनामा या जो पुलिस की वेरिफिकेशन होती हैं सब होने के बाद यमुना सिंह के घर वालों को उसकी लाश दे दी गई। और उस दिन से गांव वालों ने एक अजीब हरकत नोटिस करी कि वही गांव में रात को रोशनी दिखती थी। तो कुछ गांव वाले और पुलिस वाले, जब वो गांव वालों ने बताया कि सर आजकल जिस दिन यमुना सिंह मरा था ये अगले दिन से चालू हो गया था कि वो रोशनी दिखती थी, तो ऐसा लगता था कि वो हैंग कर रही है रोशनी, और जब लोग उसके पास जाने की कोशिश करते थे तो वो उतनी ही दूर फिर हो जाती थी। तो ये नॉर्मल था नहीं, तो ये मारे डर के गांव में तो और मान्यता होती, तो ये समझ गए ये कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत घबराए, पुलिस वालों को भी बोला, पुलिस वाले भी हिम्मत करके साथ में आए, बट ये रात में ही होता था हमेशा। पुलिस वाले एक दिन 5-6 पुलिस वाले 2-3 गांव वाले इकट्ठा आए
और जहां वो रोशनी उनको दूर दिख रही थी वो रोशनी की तरफ चलने गए, चलते गए। जब वो रोशनी के पास सोचते कि हम पहुंचने वाले हैं और देखते हैं कि रोशनी उतनी दूर हो गई, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो फिर रोशनी उतनी दूर हो गई, यानी ये रोशनी देख तो रहे हैं बढ़ रहे रोशनी तक पहुंच नहीं पा रहे। पुलिस वाले भी बहुत घबरा गए कि ये मामूली वो नहीं है, ये पैरानॉर्मल केस है, है ना, और लैंटर्न लेके और कौन जंगल में घूमेगा। यमुना सिंह घूमता था तो ये ज़रूर जो है यमुना सिंह की आत्मा है, बट उसने कोई नुकसान किसी को नहीं किया। बहरहाल पुलिस एक दो दिन सर्च हुई और ये तो बड़ा नॉर्मल सा हो गया कि वो रोशनी दिखती थी, मारे डर के जो है कोई भी जंगल वाला जानता नहीं था कि मरने के बाद भी यमुना सिंह जो है जंगल की सुरक्षा कर रहा है। पर जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको पैसे से मतलब होता है। उन तीनों ने जो है जब सुना इसके बारे में कि वो बत्ती जलती है, खुद भी देखा था उन्होंने एक दो बार रात में, तो भागे आए थे कि अगर यमुना सिंह है तो हम लोगों को दबोच देगा क्योंकि हम ही लोगों ने मारा है, उनको तो मालूम था। फिर भी लालच, क्योंकि पैसा वहीं से आता था, है ना, पोचिंग की पैसे से, लकड़ी की स्मगलिंग से। अब तो यमुना सिंह भी नहीं था जो पहरेदार था, तो एक दिन इन्होंने तय किया कि हम लोग रात में जो है चलेंगे, क्योंकि दिन में तो गांव वाले भी चराने हराने रहते थे, गैया या अंधेरा होने के पहले सब आ जाते थे। कुछ अगल बगल के गांव के लोग थे, पगडंडी से क्रॉस भी करते थे जंगल से, बट रात में कोई जाता नहीं था। जब से ये रोशनी दिखने लगी लोगों ने जाना मारे डर के। कहते हैं ना कि अंधेरा हमेशा बहुत भयावर होता है, और दूर कहीं हल्की से उजाला नजर आता है ना लोगों को, जब भी आता था तो मारे डर के जंगल छोड़ के भग जाते थे। अगर कहीं जाना भी है, कहीं से कोई आ रहा है, अंधेरा हो गया, बट वो भाग जाते थे। तो ये इन्हें मरने के बाद भी पहरेदारी हुई थी, पर इन तीनों ने तय किया कि हम लोग मौका नहीं छोड़ेंगे, कि जो मेन आदमी जो सुरक्षा करता था वो भी नहीं है। और ये लोग तीनों एक दिन जंगल में घुस पड़े। काफी दूर इनको कुछ रोशनी वोशनी दिखी नहीं। जब अंदर गए जहां प्लान था इनका, कहते हैं ना कि आत्मा को ठीक पता लग जाता है कि ये कहां के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अब है नहीं, बट उनको सब मालूम है। तो उस दिन रोशनी दिखी नहीं रही थी, इन्होंने कहा कि अब वो रोशनी शायद गायब हो गई, हम लोग को तो दिखी नहीं है। तो इनका था प्लान लकड़ी काटने का, मेरे ख्याल साल के पेड़ थे या और कुछ था, लकड़ी काटने का कोई था ही नहीं। रातों रात काटते थे, अपनी कुल्हाड़ी उलाड़ी सब ले गए थे जिससे उसको गंगा सिंह को मारा था। आरा भी रहता था बड़ा, दो लोग अपना आरा चलाते रहते थे और पेड़ काट देते थे, फिर ट्रैक्टर वालों को दूसरी साइड से जंगल के साइड से बुला लेते थे, उसी पे लाद के ले जाते थे। तो हमेशा जब इस तरह के केस होते हैं तो इसमें ये 100% है कि कोई ना कोई फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट का आदमी भी इनके साथ मिला रहता था, तो फॉरेस्ट की भी गश्त होती थी। बट जिस एरिया में गंगा सिंह गश्त देते थे, फॉरेस्ट वाले जानते थे कि यहाँ कोई नहीं आएगा। तो उस दिन भी ये लोग इसी इरादे से पहुंच गए कि यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। अचानक जब बहुत अंदर इंटीरियर में ये लोग चले गए तो इन लोगों को दूर छोटी सी रोशनी नजर आई, और वो दिख रही कि इनकी तरफ आ रही है। तो फिर ये लकड़ी क्या काटेंगे, इनके तो रोंगटे खड़े हो गए कि रोशनी इनकी तरफ आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा, कौन आ रहा है। खैर ऐसा लग रहा है कि जैसे लैंटर्न किसी के हाथ में, हाथ हाथ कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि एयर हवा में वो लैंटर्न आ रही है, वो धीरे धीरे वो छोटे से बड़ी होती जा रही, और वो आने लगी। और इन लोग की ये पसीने हो गए, इन्होंने भागने की कोशिश की। तो एक बंदा, जब आदमी नर्वस होता है ना तो गलतियां करता है, वो गिर पड़ा और दो भाग लिए। और जैसे ही वो गिरा, पीछे से उसका जो है टांग घसीटने की आवाज आई। ये दूर से इन्होंने आवाज सुनी और भागे गांव की तरफ, जो बाकी के दो थे। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि जिसको घसीटने की आवाज आई थी, जो इनका तीसरा साथी था, वो पेड़ पे टंगा हुआ है, उसके गले पे फांसी है और एक पेड़ से टंगा हुआ लाश उसकी मिली। लोगों ने खबर करी, इन लोगों ने गांव वालों को बताया, लोगों ने खबर करी, पुलिस आई, उनकी लाश को वहां से रिट्रीव करा गया, लेके आए और
कहीं कोई निशान नहीं, बस यहाँ एक रस्सा और लाश जो है टंगी हुई मिली और कोई फुटप्रिंट नहीं, कुछ नहीं। तो क्योंकि ये पैरानॉर्मल केस था तो वो फुटप्रिंट कैसे मिली। अब चिंता ये हो गई कि अब तो जंगल में जाना ही बंद हो गया। इवन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे मारे डर के बोल रहे थे कि साहब इंसानों को तो हम डील कर सकते हैं बट प्रेतों को हम कैसे डील करेंगे, हम ड्यूटी पे रात को नहीं जाएंगे। तो उनको ये था कि बॉर्डर बॉर्डर रहिए और पांच पांच छः छः लोग एक साथ जाइए। बट वो बत्ती देखते थे बट कभी भी बत्ती उनकी तरफ आई नहीं। वो बत्ती जितनी दूरी पर दिखती थी वो लोग देखते रहते थे, अपने गश्त देते थे और गश्त दे के चले जाते थे। बट उस बत्ती की वजह से भी उस जंगल में कोई भी जानवरों की जान नहीं गई, लकड़ी नहीं कटे, स्मगलिंग नहीं हुई, क्योंकि यही तीन थे जो सब प्लान करते थे और इनकी एक बहुत बड़ा इनका गैंग था जो ऑपरेट करता था उस जंगल में, इनके साथ ही और भी लोग जो इसी प्रवृत्ति के थे, क्रिमिनल प्रवृत्ति के। आखिर उन लोगों को जेल हो गई। जेल होने के बाद 2 महीने के बाद उनकी बेल हुई। बेल हुई, जब बेल होके उभार आए, अब फिर वही वीकनेस एक इंसान की, फास्ट मनी, तेज पैसा कैसे पैदा करें, जाएंगे कोई लपड़ मार देंगे या भालू मार देंगे। और उन्होंने अपने जो साथी गैंग वाले हैं उनसे एक डबल बैरल गन ले ली थी। ये इंश्योरेंस देख के कि हम लोग ये पैसा शेयर करेंगे, जो भी हमारा सामान या जानवर हम मारेंगे उसकी जो चमड़ी का पैसा मिलेगा हम जो बेचेंगे, और ख़रीदार बहुत मिलते थे। ये कहानी मैं आपको 60s की बात बता रहा हूँ, तो बहुत ख़रीदार मिलते थे कि खरीद लिया जाता था और फिर अपना जो भी खरीदार होता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कैसे टैन कराएगा क्या कराएगा। तो ये दोनों उसी से प्लान ये था कि दूसरे गांव के जो क्रिमिनल्स थे वो दूसरी तरफ से आएंगे, ये लोग अपने गांव से जाएंगे। रात के टाइम में ही ये सब ऑपरेशंस किए जाते हैं क्योंकि कोई देखने वाला नहीं होता है। और जब से वो लाइट दिखने लगी थी तो मारे डर के कोई आता नहीं था। तो ये दोनों घुसे, इनको लाइट उस समय तो दिखी नहीं, जब फिर थोड़ा डीप में चले गए इनको पत्ती दिखी, बत्ती दिखी तो ये फिर घबराए। फिर भी इन्होंने कोशिश की कि हम पास जाने की कोशिश करते हैं, अगर हमें यहाँ पर सरवाइव करना है तो इस चीज़ को तो फेस करना पड़ेगा कि ये है क्या। हालांकि वो अंदर से जानते थे ये जमुना सिंह की ही आत्मा है जो यहाँ पर आज भी सुरक्षा कर रही है जंगल की। फिर तब तक इन्होंने दूर से आवाज़ सुनी थी अपने साथियों की दूसरे साइड से आते, कि ये प्लान था कि साथ में रहेंगे, साथ में जो भी हंट करना होगा हंट करेंगे, फिर वो ले जाएंगे। अगर कोई जानवर मिल गया उस दिन, लपड़ मिल गया, भालू मिल गया, भालू बहुत थे वहाँ, कोई भी मिल गया तो मिलेगा। लकड़ी काटना होगा तो रात में इकट्ठा करेंगे, जब ज़्यादा लोग साथ में रहेंगे तो हिम्मत बंधी रहेगी। और वो आए, जैसे ही वो आए तो उन लोगों ने भी दूर से वो रोशनी देख ली। और ये बात, ये किस्सा जो है उस एरिया के गाँव गाँव में फैला हुआ था रोशनी वाला। वो मारे डर के बगैर इनको बोले वापस अपने गांव की तरफ भाग गई। अब रह गए ये दोनों डीप जंगल में। धीरे 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 वो रोशनी इन लोग की तरफ आने लगी और ये इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि हम भाग सके, इनके पैर कपने लगे। ये समझ गए कि हमारा अंत सामने है, हमारा साथी ऐसे ही मरा था। और ये हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए थे और एक कुल्हाड़ी लिए हुए बिल्कुल अलर्ट था कि कोई पास में आएगा, बट आप पास में आएगा तो वो तो रोशनी दिख रही है और रोशनी ने एक डिस्टेंस हमेशा इनसे मेंटेन की हुई थी ताकि इनको और डर लगे। अल्टीमेटली एक इंसान जो उन दोनों में से था वो इतना घबरा गया, वहीं की वहीं उसको सीवियर हार्ट अटैक, यानी हार्ट फेल हो गया उसका और वो वहीं गिर गया, धराशायी हो गया। और दूसरा जो भागने लगा उसको एकदम से महसूस हुआ कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है और खींच लिया नीचे। तो जब वो नीचे खींचा गया वो, तो उसको ये महसूस हो गया कि इतनी ताकत यमुना सिंह जैसे इंसान के पास ही होगी। बट वो उस समय तक डरा भी हुआ था, पसीने पसीने था, कांप रहा था डर के मारे। तो यमुना सिंह ने उसकी जो है बॉडी खींची और ठीक जैसे पहला आदमी था उसको पेड़ के ऊपर जो है रस्सी से टांगा, गले में फंदा लगा के और टांग दिया जब तक वो मर नहीं गया और फिर काम खत्म।
अगले दिन जब गांव वाले जो गैया चराने वाले हैं जब आए, उन्होंने सब देखा कि दो लाशें पड़ी हुई हैं, एक नीचे पड़ा हुआ है और जो नीचे पड़ा हुआ था उसको एक नाग आ गया था वहाँ रेंगता हुआ, वो डस भी लिया था। तो इन लोगों ने जब देखा वो नाग को, फिर भगाया वहाँ से, फिर देखा कि ये वही है जो दो थे क्रिमिनल्स, और एक देखा कि उसी में थोड़ा आगे एक पेड़ पे लाश लटकी हुई जो दूसरा क्रिमिनल था। तब फिर इन्होंने जाके पुलिस को खबर करी तो इन दोनों की बॉडी वहाँ से उठाई गई और नाग ने 3-4 बार इनको काटा था जो नीचे गिरे हुए थे, और ऊपर वाले को तो फांसी लग गई थी और कोई क्लू ही नहीं था कि फांसी कैसे लगी, रस्सा कहाँ से आया, कोई क्लू नहीं। तो सबकी हालत ख़राब हो गई थी। बहरहाल आए, बॉडी रिट्रीव हुई, जो फॉर्मेलिटीज पुलिस को करना था पुलिस ने की। बट एक मैसेज इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में हमारे यहाँ ऑफिसर्स जो आए थे उनको भी पहुँच गया था तब तक कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ के जो केयर टेकर हैं उसके साथ साथ उसकी जो है लाश मिल गई थी और उसकी जो है बॉडी नहीं मिली। बॉडी मिलने के बाद उसकी जो आत्मा है वो इस जंगल में रखवाली आज भी कर रही है, लोगों को रात में वो रोशनी दिखती है और मारे डर के वो कोई भी उस जंगल पे जाता नहीं है। बट उस दो लोगों को मारने के कई महीनों तक वो रोशनी जरूर दिखती थी बट उसने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। तो ये बात तय हो गई कि ये जरूर जमुना सिंह है जो आज भी जंगल की रखवाली कर रहा है, जो रात में गलत इंटेंशन से आएगा उसका अंत वही होगा जो और बाकी तीन हो। तो ये रोंगटा खड़ा करने वाली स्टोरी है कि मरने के बाद भी जंगल की रखवाली कर रहा था और उसी के डर की वजह से जो दूसरी प्रवृत्ति के जो क्रिमिनल्स थे जो वहाँ पर पोचिंग करने आते थे या लकड़ी काटने आते थे उस एरिया में आना उनका बंद हो गया। तो जितनी स्टोरी मेरे को मालूम है इसके बाद और क्या हैपनिंग्स हुई उस केस में मेरे को नहीं मालूम है, पर जितना मैंने सुना और जिस तरह वो डिस्क्राइब किया गया था वो बहुत भयानक था। और वैसे भी अंधेरे में आप इस तरह की कोई भी चीज़ सुने तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। बट वो बहुत अच्छा सोल था, वो रखवाली जरूर करता था और मारा सिर्फ उनको जिसने उसको मारा था और जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग थे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यही मानने लगा कि इसका रहना फॉरेस्ट के लिए अच्छा है क्योंकि इसकी ये बत्ती दिखने का मतलब फॉरेस्ट की रखवाली उस एरिया में हो रही है और हर पोचर अब आने से यहाँ पर डरेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैरानॉर्मल कहाँ से स्टोरी चली, कहाँ पैरानॉर्मल केस पे आ गई, यू नेवर नो। जंगल में बहुत मान्यता है इस सब चीज़ की, बहुत लोग ये मानते हैं कि इस तरह के केसेस होते हैं। अब ये तो बहुत कॉमन हो गया कि गर्दन बगैर गर्दन के आदमी जा रहा था, मेरे ख्याल से 10 आदमी जो है मैंने ये कहानी सुन ली बगैर जाने हुए। और पैरानॉर्मल स्टोरी डालने के चक्कर में अगर जंगल में कोई रात में अपनी गाड़ी से जा रहा है और इकलौता एक आदमी दिख भी जाएगा ना, अरे ये क्या था, ये क्या दिख गया, और गाड़ी से निकलो जल्दी चलो, है कुछ नहीं, हो सकता है कोई बूढ़ी औरत हो जो जिसका दिमाग थोड़ा सा हल्का हो गया हो, अकेले नहीं तो जंगल में और कौन जाएगा, अरे वो फिर दिखना बंद हो गई। ये सब बहुत कहानियाँ जो मैं देख रहा हूँ अलग अलग ब्लॉग्स में दिखते हैं, बट ये भी सच है कि इस तरह के किस्से होते हैं, जंगलों में होते हैं। अब मैंने भी अपने बचपन में एक बार खाली आवाज़ महसूस की है, मैंने देखा कुछ नहीं। मेरे फादर ने भी 2-3 बार इसी तरह के सुना। हमारे यहाँ का एक चौकीदार था, वो बोलता था कि एक आदमी जो है धोती पे घोड़े पे आता है और ठीक जहाँ आपका हट है उसके बगल से जो रास्ता है वहाँ से चला जाता है, और फादर को कभी नहीं दिखा। चौकीदार जो थे वो देखते थे कि ये, और आवाज़ भी नहीं होती थी कि घोड़ा जो है गैलप करके आ रहा है, वो दिखता था आया और देन ही वैनिश्ड। तो कुछ लोगों को जिनके दिमाग में ये घर कर जाता है कि ऐसा हो सकता है, कहानियाँ सुनते हैं अगल बगल, तो वो या तो कल्पना करने लगते हैं या वाकई देख लेते हैं। तो ये क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी स्टोरी लंबी हो गई है ऑलमोस्ट 30 मिनट की, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट ये बड़ी डरावनी कहानी है
बट वो डरावनी इसलिए है कि वो रखवाली भी करता था। ये अच्छी बात है, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बहुत से लोग हमारी वीडियोस को लोगों से बोलिए, सब्सक्राइब कराइए और शेयर कराइए, ठीक है। आगे ऐसी बहुत कहानियाँ और भी दूंगा, तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।